छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में चिरौटी नामक एक ऐसा भी गांव है जो कि चोर गांव के नाम से बदनाम है, जहां घर घर में अपराध से जुड़े लोग रहते। शुरुआत में शिक्षा का अलख नहीं जगने और जिला मुख्यालय व पुलिस थाना से दूरी होने की वजह से यहां के लोग अपराध के दलदल में फंसते गए। आने जाने के लिए रास्ता नहीं होने से टापू में तब्दील चिरौटी गांव देखते ही देखते समाज की मुख्य धारा से विमुख हो गया। यही वजह है कि 60-70 सालों से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त यहां के लोगों का कारनामा मुंगेली जिले तक सीमित न रहकर आसपास के दर्जन भर जिलों में दर्ज है। ऐसा नहीं है कि यहां के लोग अब पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षित होने के बावजूद पीढ़ियों का असर अब परंपरा के रूप में पड़ता जा रहा है। यही वजह है कि युवा वर्ग भी अपराध के दलदल में फंस गए हैं। सबसे ज़्यादा अब यहाँ विवाह योग्य लड़का एवं लड़कियों को होने लगी है, क्योंकि आपराधिक दाग की वजह से यहाँ कोई रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता। हर हाल मुंगेली पुलिस के प्रयासों से चिरौटी गांव के जो आपराधिक किस्म के लोग हैं वो समाज की मुख्य धारा में लौट रहे हैं, इसे एक अच्छी खबर मानी जा रही है। मुंगेली से खेल रिपोर्टर रोहित कश्यप। जिले के सरगांव क्षेत्र में चिरौटी गांव चोर गांव के नाम से बदनाम है। यहां के लोग 1959 से चोरी लूट न कब्जाने जैसे अपराध करते आ रहे हैं। जिला मुख्यालय और थाना से दूर होने के कारण चिरौटी गांव समाज की मुख्य धारा से विमुख हो गया है। यहां के लोग आसपास के दर्जन भर जिलों में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। पूरा गांव शिक्षा से कोसों दूर है। यहां के लोगों द्वारा आपराधिक गतिविधियां लुप्त होने से इनसे कोई रास्ता भी नहीं जोड़ता। हालांकि अब जिले के SP के प्रयास से ये लोग समाज की मुख्य धारा में लौटने लगे हैं। पुलिस के अधिकारियों की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, ग्रामीण मौजूद है, अधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों को समझाई दी गई है। निश्चित तौर पे जब हम भी यहाँ आए तो आने के पहले हमारे मन में कुछ अलग महसूस हो रहा था, आने के बाद पता चला कि यहाँ के लोग कुछ लोग नौकरी में भी हैं, बहुत सारे लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, केवल मुख्य मार्ग से कटे होने के कारण और सुविधाओं के अभाव के कारण ये पिछड़ गए हैं, ये हमको महसूस हुआ है। सबसे प्रमुख दिक्कत तो यहाँ सड़क मार्ग की थी, जिसके कारण यहाँ आर्थिक जो भी इनको समस्या है वो झेलनी पड़ रही थी और बच्चे जो है वो कनेक्टर नहीं हो पा रहे थे समाज से। अब चूंकि यहाँ पे सड़क मार्ग के लिए प्रयास किया गया है और बरसात के बाद यहाँ पे सड़क बनना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, यहाँ स्कूल की भी कंडीशन ठीक नहीं थी, थोड़ा जर्जर हालत में था, तो इसको कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया है, तो DMF फंड से इसमें सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरामैन नईम खान साथ रोहित कश्यप, स्वराज एक्सप्रेस, मुंगेली। काशीपुर में बेटी की चाहत और पहली पत्नी